वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन माय नेम इज़ कल्याण कृष्ण अवस्थी एंड टुडे वील बी डिस्कसिंग सोर्स कोडिंग बच्चों पिछले दोनों लेक्चर्स में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू मेजर इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी लास्ट लेक्चर के एंड में बच्चों हमने देखा था कि एंट्रोपी की हेल्प से वी गेट टू नो दैट हाउ मेनी एवरेज बिट्स कैन बी यूज टू ट्रांसमिट अ गिवेन इंफॉर्मेशन विथ मिनिमम एरर नाउ

The major question is, we have already seen that the average bits required were एवरेज और हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे हम इंडेक्स नंबर इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें हम तीन बिट्स इस्तेमाल कर रहे थे तो द बिग क्वेश्चन इज हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि जब हम तीन बिट्स से इंडेक्स के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वही इंफॉर्मेशन दो बिट्स में ट्रांसमिट हो जाए तो इस सवाल का जवाब है सोर्स कोडिंग और इस पूरे लेक्चर में आने वाले आधे घंटे में हम जानेंगे कि कैसे ये सोर्स कोडिंग मुझे हेल्प करेगा डेटा को कोड करने के लिए अब बच्चों सोर्स कोडिंग पढ़ने से पहले हमें कुछ पैरामीटर्स जानना बहुत ज़रूरी है चाहे हम कोई भी एफिशिएंट कोडिंग टेक्निक डिफाइन करें डिज़ाइन करें इन सभी पैरामीटर्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है तो बच्चों जो पहला पैरामीटर है दैट इज सोर्स एफिशिएंसी सोर्स एफिशिएंसी का मतलब हुआ किस रेट से सोर्स मुझे मैसेजेस दे रहा है और किस रेट से मैं उसे कोड कर रहा हूं इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू हैव अ गुड सोर्स एफिशिएंसी सोर्स एफिशिएंसी जितनी बेटर होगी मेरा इंफॉर्मेशन रेट उतना ही बेटर होगा तो बच्चों अगर सोर्स एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखें तो सोर्स एफिशिएंसी इज एच डिवाइडेड बाय एच मैक्स अब यहां पर एच इज दॉपी ऑफ द सोर्स ये मुझे सोर्स का एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट देगा द सेकेंड टर्म इज एच मैक्स बच्चों दिस इज द मैक्सिमम एंट्रॉपी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमारा मैक्सिमम एंट्रोपी का एक्सप्रेशन आया था एन अगर मेरे पास एक ऐसा सोर्स है जो एन इक्वी प्रोबेबल मैसेजेस को एमिट कर रहा है इन दैट केस माय मैक्सिमम एंट्रोपी विल बी बच्चों लॉग बेस टू एन थ्रू दिस फॉर्मुला वील बी कैल्क्यूलेटिंग द सोर्स एफिशियंसी डायरेक्टली सोर्स एफिशियंसी देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर माई कोडिंग टेक्निक इज एफिशियंट और नॉट एफिशियंट क्लियर है अच्छा एज फार एज द यूनिट इज कंसर्न एफिशियंसी इज ऑब्वियसली रेशियो तो इट विल ऑलवेज बी इन परसेंटेज क्लियर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सोर्स रिटेंडेंसी अब बच्चों रिटेंडेंसी के बारे में बहुत मेजर कंफ्यूजन रहता है बहुत से बच्चों को तो मैं सबसे पहले ये दूर कर देता हूं अगर बच्चों आपको डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक ब्लॉक डायग्राम याद हो तो आप देखते हो कि सबसे पहले मेरे पास सोर्स होता है सोर्स के बाद वी अ ब्लॉक कॉल्ड सोर्स इनकोडर ये सोर्स इनकोडर ही बच्चों वो ब्लॉक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं सोर्स इनकोडिंग इसी सोर्स इनकोडर वाले ब्लॉक में होती है अब सोर्स इनकोडिंग में हम करते क्या है सोर्स इनकोडिंग में बच्चों हम रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं ध्यान रखिएगा सोर्स इनकोडिंग में हम रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं चैनल कोडिंग में हम रिडंडेंसी इंप्रूव करते हैं या रिडंडेंसी बढ़ाते हैं रीजन क्या है पहले केस में वी नीड टू कीप अ चेक ऑन द नंबर ऑफ बिट्स एंड दूसरे केस में इन चैनल कोडिंग वी नीड टू एंश्योर दैट द डेटा इज एफिशंटली ट्रांसमिटेड थ्रू द चैनल इस चैनल कोडिंग के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे देखेंगे कैसे बिट्स को ऐड करने से हमारा कम्युनिकेशन नियरली एरर फ्री होता है यहां पे बच्चों अगर रिटेंडेंसी की बात करें तो रिटेंडेंसी का मतलब हुआ एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा बिट्स एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलक्युलेटिंग द रिटेंडेंसी किसी भी कोड के लिए इन पैरामीटर्स को देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा कोड बनाएं वेदर इट इज एन एफिशियंट कोड लेस एफिशियंट कोड और प्योरली इन एफिशियंट तीसरा बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज इंफॉर्मेशन रेट इंफॉर्मेशन रेट बच्चों वो रेट है जिससे सोर्स मेरे इनकोडर को बिट्स सप्लाई कर रहा है मेरे पास एक सोर्स है सोर्स किसी रेट से किसी स्पीड से किसी पैरामीटर के थ्रू मेरे एनकोडर को बिट्स सप्लाई कर रहा होगा, और मुझे वही बिट्स एनकोड करनी है तो बच्चों दिस इज इंफॉर्मेशन रेट क्लियर है वेयर आर इज द रेट एट विच दोर्स इज जनरेटिंग द सिंबल्स इस रेट से बच्चों सोर्स सिंबल जनरेट कर रहा है

तीन सिंबल सेमिट कर रहा है विद गिवन प्रोबेबिलिटीज वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड सोर्स एंड ट्रॉपी सोर्स एंड ट्रॉपी हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में दिस इज द फॉर्मुला दैट विल बी यूजिंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सोर्स एंड ट्रॉपी द नेक्स्ट पार्ट इज द मैक्सिमम एंड ट्रॉपी मैक्सिमम एंड ट्रॉपी के लिए बच्चों अगेन वी हैव सीन द फॉर्मुला दिस इज लॉग बेस टू एन अब यहां पर ध्यान देंगे मेरा सोर्स तीन सिंबल सेमिट कर रहा था तो आई हैड एन इज इक्वल टू थ्री मैंने यहां पर एन इज इक्वल टू थ्री पुट किया एंड आई गॉट द्लियर है अभी फॉर्मूला देखा दैट इज एच अपॉन एच मैक्स तो थ्रू दिस वी कैन इजिली फाइंड सोर्स एफिशियंसी एंड फाइनली रिटेंडेंसी विल बी वन माइनस सोर्स एफिशियंसी तो आई होप इस न्यूमेरिकल से आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा चलिए अब बच्चों आते हैं हम एक बहुत ही यूनिक कोडिंग टेक्निक पर जिसको हम बोलते हैं शेनन फेनो कोडिंग हमारे सिलेबस में हफमैन कोडिंग है शेनन फेनो कोडिंग है आज के लेक्चर में बच्चों अभी हम शेन फेनो कोडिंग पढ़ेंगे क्लियर है अब हर कोडिंग के हर कोडिंग एल्गोरिदम्स के कुछ स्टेप हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं चलिए बच्चों पहला स्टेप है वी हैव टू राइट द मैसेजेस इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी मुझे क्वेश्चन में कुछ सोर्सेस दिए होंगे कुछ सिंबल्स दिए होंगे और उन सभी सिंबल्स के करेस्पॉन्डिंग मुझे कुछ प्रोबेबिलिटीज दी होंगी हो सकता है वो प्रोबेबिलिटीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो इट माइट हैपन दैट प्रोबेबिलिटीज आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और वी माइट अ मिक्सड सेट ऑफ सिंबल्स तो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अरेंज आर प्रोबेबिलिटीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है उसको मैं सबसे पहले रखूंगा एंड सो ऑन क्लियर दिस इज द फर्स्ट स्टेप सेकेंड वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डिवाइड द एंटायर सेट इन टू टू पार्ट मैंने पहले स्टेप में पूरा सेट बना लिया अब मुझे क्या करना है मुझे इस सेट को ऐसे डिवाइड करना है कि लोअर हाफ की प्रोबेबिलिटीज अगर मैं ऐड करूं और अपर हाफ की प्रोबेबिलिटीज में ऐड करूं तो मुझे सेम वैल्यू मिले या अप्रॉक्स सेम वैल्यू मिले ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है हमें बहुत ध्यान से डिवाइड करना है और डिवीजन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाले सेट में केवल एक ही सिंबल आए बाकी सब नीचे वाले सेट में आ जाए या यह भी हो सकता है कि ऊपर वाले सेट में एक से ज्यादा सिंबल्स आए और नीचे वाले सेट में भी बच्चों एक से ज्यादा सिंबल्स तो स्टेप में हमें ध्यान से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है क्लियर है बच्चों? अब में हमें क्या करना है? मैंने जो ऊपर वाला, वाला सेट था उसको मैं जीरो असाइन कर दूंगा जो नीचे वाला सेट है उसको मैं वन असाइन कर दूंगा क्लियर है ये जीरो ऑन वन असाइन करने का रूल अभी आपको समझ में आ जाएगा इससे क्या फायदा है अब बच्चों मुझे ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखना है मैंने एक बार अपने सेट को डिवाइड कर दिया मैंने जीरो और वन असाइन कर दिए अब फिर से मैं देखूंगा अगर ऊपर वाला सेट डिवाइड हो सकता है अगेन तो मैं उसे डिवाइड करूंगा नीचे वाला सेट डिवाइड हो सकता है तो अगेन मैं उसे डिवाइड करूंगा बच्चों ध्यान रखना है कि हमें ये डिवीजन तब तक करते जाना है जब तक मेरा सेट फर्दर डिवाइड भी ना हो पाए और सभी सिंबल्स को कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन हो जाए यही मेरा स्टेप है क्लियर है अब वंस हमने डिवीजन कर लिया हमारे पास सभी सिंबल्स के सामने जीरो या वन मिल गए नाउ द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट एफिशिएंसी द कोड लेंथ तो स यहां पर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर आता है एल आई पी आई एल आई पी आई एल आई इज दी एवरेज लेंथ ऑफ द कोड मैंने जैसे ही डिवीज़न किया डिवीज़न के बाद मुझे हर सिंबल के करस्पॉन्डिंग कोड्स मिल गए मैंने एल आई कैसे लिखा बच्चों सभी इंडिविजुअल कोड्स की लेंथ एक अलग कॉलम बना लिया जहां पर मैंने एल आई लिख दिया ऐसे ही मैंने सभी सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी भी चेक की और एक पैरामीटर निकाल लिया एल आई पी आई

मैं सभी कोड को काउंट करके एल आई निकाल दूंगा पी आई मुझे क्वेश्चन में दिया होगा एंड फाइनली व्हाट आई विल डू इज आई विल फाइंड द एंट्रोपी रिटेंडेंसी या जो भी मेरे को पैरामीटर्स पूछे गए क्लियर है, है? चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है चलिए मेरा क्वेश्चन कहता है कि आई एम गिवन फॉलोइंग सिंबल्स विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज ध्यान से देखेंगे मुझे कुछ सिंबल्स दिए गए हैं विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज आर वन बाई फोर वन बाई सिक्स एंड सो ऑन वॉट आई नीड टू डू इज आई नीड टू डिटरमाइन दी एफिशिय रिटेंडेंसी एंड डिजाइन एंड एफिशियंट फेनो कोड फॉर दिस गिवन सिस्टम या दिस गिवेन अरेंजमेंट ऑफ डेटा अब बच्चों अगर आप रिकॉल करो तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था सबसे पहले व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू अरेंज दीज सिंबल्स इन डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी तो ध्यान से देखेंगे बच्चों मैंने सभी सिंबल्स को नाम दे दिया है ए से लेकर एच तक एंड व्हाट आई डिड इज मैंने इन सभी सिंबल्स को डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी में अरेंज कर दिया ध्यान से देखेंगे सबसे पहले वन बाई टू है वन बाई फोर वन बाई सिक्सटीन वन बाई सिक्सटीन एंड देन वन बाई थर्टी टू दिस इज माई ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोबेबिलिटी विद दिस आई कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई एल्गोरिदम क्लियर नाउ बच्चों सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था वॉट आई नीड वी नीड टू डू इज वी नीड टू डिवाइड दिस अरेंजमेंट इन टू टू हाफ कंडीशन क्या है बच्चों हाफ ऐसे होने चाहिए कि प्रोबेबिलिटीज का सम सेम आए यहां पर इंस्पेक्शन वाला स्टेप है बहुत ध्यान से करना है तो मैं क्या देखता हूं इफ आई एड वन बाई थर्टी टू फोर टाइम्स आई गेट वन बाई एट इफ आई एड वन बाई सिक्सटीन टू टाइम्स आई गेट वन बाई एट

ऐसे डिवाइड करूंगा इसको मैंने जीरो दे दिया रेस्ट ऑल सिंबल्स को आई नीड टू असाइन वन यही मेरा एल्गो का स्टेप भी कह रहा था जीरो के बाद मुझे सबको वन असाइन करना है चलिए बच्चों तो ये पहला डिवीजन था ये पहला ब्रेकअप किया है मैंने आगे के स्टेप्स में देखते हैं अब ध्यान देंगे बच्चों वंस गिवन सिंबल विद अ गिवन प्रोबेबिलिटी रिसीव्स एन इंडिपेंडेंट कोड अब मुझे उसे दोबारा कोड नहीं करना है तो मेरे लिए दिस हैज बीन कोडेड अब इससे मुझे कोई लेना देना नहीं अब मेरा नया सेट है ये ध्यान से देखेंगे बच्चों दिस इज माई न्यू सेट क्लियर है अब यहां पर अगेन इन चारों को जोड़ने पे आई वॉज गेटिंग वन बाई एट इन दोनों को जोड़ने पर भी आई वॉज गेटिंग वन बाई एट एंड वन बाई एट प्लस वन बाई एट वॉज वन बाई फोर दैट मीन यहां से बच्चों अगर मैं डिवीजन कर दूं अब इस जगह से तो दिस इज वन बाई फोर एंड ऑल दीज टूगेदर आर वन बाई फोर तो वॉट आई कैन डूस आई कैन असाइन जीरो तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे दो इक्वल हाफ नहीं मिल जाते अब यहां पर ध्यान से देखेंगे यहां पर मैं देख रहा हूं कि वन बाई सिक्सटीन प्लस वन बाई सिक्सटीन विल गिव मी वन बाई एट एंड वन बाई थर्टी टू

जीरो असाइन किया और जीरो असाइन करने के बाद बाकी सबको बच्चों मैंने वन असाइन कर दिया क्लियर है अब वो स्टेप आता है जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं अब दीज आर टू सिंबल्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज तो मुझे इनको यहीं पे डिवाइड कर देना इसको मैंने जीरो दे दिया बच्चों इसको मैंने वन दे दिया अब यहां पर देखिए अगर मैं इस डेटा को इन सिंबल्स को वन बाई थर्टी टू जो चार बार लिखा था इसको मैं यहां पर जीरो असाइन कर देता तो ये जीरोस एक्स्ट्रा आ जाते मेरे पास कोडिंग में एक एक्स्ट्रा लेंथ आ जाता एक एक्स्ट्रा बिट का लेंथ आ जाता तो मुझे ये अवॉइड करना है मुझे रिटर्नसी हटानी है तो मैं क्या करूंगा इसको भी यहीं पर कोड करूंगा तो अगेन व्हाट आई डिड इज वन बाई थर्टी टू को दो वन बाई थर्टी टू ऊपर ले लिए दो वन बाई थर्टी टू नीचे ले लिए दिस वॉज जीरो जीरो दिस वॉज जीरो वन अगेन जीरो वन जीरो वन अब आप देखेंगे कि इसके आगे कोडिंग नहीं हो सकती आई कैनॉट ब्रेक द सेट फर्दर दिस इज द मैक्सिमम लिमिट एंड वॉट आई ऑब्जर्व इज मैंने सभी सिंबल्स को कोड दे दिए हैं तो अब मेरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या आता है नाउ आई नीड टू असाइन कोड्स तो इट्स वेरी सिंपल अगर मैं सिंबल ए की बात करूं तो सिंबल ए का कोड इज जीरो सिंबल बी का कोड इज सिंबल सी वन जीरो बच्चों एल्गो के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अब मुझे कोड लेंथ डिसाइड करनी है कोड्स मेरे सामने हैं कोड लेंथ मैंने सबकी लिख ली वन टू फोर फोर फाइव तो दिस इज हाउ ई डिटरमाइंड द कोड लेंस अब अगर आप सिंबल या थियोरम का स्टेप रिवाइज करो तो हमारे पास फॉर्मूला है एल स्टार निकालने का अब एल स्टार मुझे क्यों निकालना है बिकॉज एल स्टार प्लेज अ वेरी वाइटल रोल बिना एल स्टार निकाले आई के नॉट फाइंड दफिशियंसी और एल स्टार निकालने का फॉर्मूला क्या है दिस इज एल आई पी आई वेयर एल आई वॉज द लेंथ ऑफ द कोड तो अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पर रेफरेंस लूँ तो मेरे पास हर कोड की लेंथ मेंशन है व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ द लेंथ एंड मल्टीप्लाई विद द प्रोबेबिलिटीज तो मैंने सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करके एल आई निकाल दिया अप्रोक्सीमेटली इतना आया यू कैन कैलकुलेट इट थ्रू कैलकुलेटर नो इश्यूज सेकेंड स्टेप इज आई नीड टू डिटरमाइन द दफिशियंसी जब मैं एफिशियंसी निकालता हूं तो वट आई गेट इज एच अपॉन एल स्टार ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने पुरानी स्लाइड में एफिशिएंसी चेक की है दिस इज दमूला फॉर एफिशिएंसी यही फॉर्मूला हमने यूज करना है एफिशिएंसी निकालते हैं और रिटेंडेंसी निकालते हैं तो आइडियली द बेस्ट केस सिनेरियो इज योर कोड शुड बी हंड्रेड परसेंट एफिशियंट बाई चांस यहां पर ऐसा अरेंजमेंट बन गया है कि यू आर गेटिंग अ कोड दैट इज हंड्रेड परसेंट एफिशियंट तो आपने देखा कैसे शेनन फेनो एल्गोरिदम ने मुझे एक एफिशिएंट कोड बना के दिया कोड की एफिशिएंसी चेक करने के लिए मैंने कोड के पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया कोड के पैरामीटर्स मैंने एफिशिएंसी चेक की और रिटेंडेंसी चेक की अब अगेन एज आई ऑलवेज से द बिगेस्ट क्वेश्चन हाउ डज दिस सोर्स कोडिंग हेल्प मी अब आप देखोगे सोर्स कोडिंग से अगर मेरा नंबर ऑफ बिट्स पर चेक क्रिएट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक इंफॉर्मेशन को या एक सिंबल बिट को कोड करने के लिए पांच बिट्स की जरूरत है और एक दूसरा इंफॉर्मेशन है जिसको कोड करने के लिए मुझे दो ही बिट्स की जरूरत है एंड आई नीड टू ट्रांसमिट द सेम डेटा अब यहाँ पर अगर मैं कोड को एफिशिएंट तरीके से कोड कर ले गया मैंने सिंबल्स को एफिशिएंट तरीके से कोड कर लिया तो मुझे फायदा तब होता है बच्चों जब हम चैनल के थ्रू इन कोड्स को ट्रांसमिट करते हैं अब लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कोड्स आर नॉट ट्रांसमिटेड एज जीरो वन टू हम क्या करते हैं लाइन कोड्स की हेल्प से लाइन कोडिंग की हेल्प से ट्रांसमिटर पार्ट पर अपने डिजिटल डेटा जिसको ट्रांसमिट करना है उसको पलसेस में कन्वर्ट करते हैं अब बच्चों यहीं पर पूरा कैच है हम ऑलरेडी सिग्नल एंड सिस्टम में एलिय पढ़ चुके हैं हम जानते हैं अगर मेरे चैनल में ये दो जा रही हैं और इन दो पल्सेस में दिस इज़ ओवरलैपिंग वाला पार्ट तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों ओवरलैपिंग में आती है जब मैं इस सिंबल को या इस सिग्नल को डिकोड करूंगा रिसीवर पे तो मेरा रिसीवर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इस रीजन पे क्यों इस रीजन पे क्योंकि ये वो रीजन है जहां पर ये पल्स भी आ रही है और ये पल्स भी आ रही है और अगर उसे डिसीजन लेना है तो इट बाय एन नॉट डिक्रीजेस वेरी रैपिडली ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कैसे हम सभी ने बच्चों देखा है हम सभी के यहाँ डीटीएच है आज से 10-15 साल पहले हम सभी लोगों के यहां केबल के था डीडी वन डी डी टू तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि कभी अगर मौसम खराब है तो हमारा सिग्नल का जो रिसेप्शन है वो वीक हो जाता था या कभी कभी हम सभी के पेरेंट्स हमसे कहते थे भाई कैच नहीं कर रहा है तो हम जाके छतों पर एंटना घुमाते थे जब से डिजिट पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो गया है या फॉर एग्जांपल आप कोई भी डीटीएच यूज कर रहे हो बाहर आंधी या बारिश है तो क्या होता है क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि सिग्नल वीक हो गया नहीं डिजिटल में बच्चों सिग्नल वीक नहीं होता डिजिटल में या तो सिग्नल है या तो सिग्नल नहीं है मतलब मेरे डिटेक्टर को ये डिसीजन लेना है कि उसने कौन सा वैल्यू उठाना है जीरो मींस समथिंग एल्स वन मींस समथिंग एल्स अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं, तो जीरो का मतलब कोई सिग्नल नहीं ऑफ है हमारा सिस्टम वन का मतलब सिग्नल है मेरा सिस्टम ऑन है तो डिजिटल में यह बहुत प्रॉब्लम आती है जब डिकोडर इस पर्टिकुलर रीजन को देखेगा तो उसे यह डिसीजन लेना है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है अगर मेरे रिसीवर ने यहां पर गलत डिसीजन ले लिया फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पल्स के हिसाब से डिसीजन लेना था बट मेरा रिसीवर इस पल्स के हिसाब से डिसीजन ले रहा है तो डिजिटल में डिसीजन का मतलब हुआ बच्चों या तो मेरा फिल्टर जीरो को वन समझ रहा होगा या तो मेरा फिल्टर वन को जीरो समझ रहा होगा अगर मेरे फिल्टर ने जीरो को वन या वन को जीरो समझ लिया तो रिसीवर पर ऑटोमेटिकली एरर आ गई अगर बच्चों रिसीवर पर एरर आ गई तो ऑब्वियसली मेरे कम्युनिकेशन सिस्टम की एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ट्वाइस और थ्राइस हर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं एफिशिएंट डेटा कंप्रेशन एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन हम जो सोर्स कोडिंग पढ़ रहे हैं बच्चों ये हमें एफिशिएंटली डेटा को कंप्रेस करने में हेल्प कर रही है दिस डजेंट अलोन एंश्योर कि मेरे सिस्टम की एफिशिएंसी बेटर होगी नेक्स्ट स्टेप में मुझे यह भी एंश्योर करना है कि मेरा डेटा एफिशिएंटली ट्रांसमिट भी हो तो अगर मैं पहले ऑब्जेक्टिव से ही चूक जाऊंगा बच्चों तो डेटा को एफिशिएंटली कैसे ट्रांसमिट करूंगा बट ध्यान देने वाली बात क्या है ये कुछ वैसा ही है कि हमें भूख तो लगी है बट हमें खाना वेस्ट नहीं करना है मतलब हमें इतना कम भी नहीं खाना है कि भूख ना मिटे और इतना ज्यादा भी नहीं ले लेना है कि खाना वेस्ट हो यही काम बच्चों सोर्स कोडिंग करके देती है सोर्स कोडिंग डिसाइड करती है कि कैसे मैं एफिशिएंटली अपने बिट्स का सिलेक्शन करूं किस सिनेरियो में मैं कितना बिट अलोकेट करूं किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल को ताकि वो सिग्नल ट्रांसमिट भी हो विद मिनिमम एरर ऐसा नहीं है बच्चों की डिजिटल कम्युनिकेशन इज एन एरर फ्री कम्युनिकेशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आइडियली देर इज नो एरर फ्री कम्युनिकेशन इन डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल पर नॉइज आएगी नॉइज इज अ रैंडम इन नेचर इट इज नॉट पॉसिबल वी कैन ओनली प्रिडिक्ट दी नॉइज वी कैन वी कैन नॉट बी सर्टेन दैट दिस दिस मच नॉइज विल इफेक्ट माय सिस्टम तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ हमारे पास ट्रांसमीटर एंड पर एक ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बचता है दैट इज सोर्स कोडिंग हम नॉइस को कंट्रोल तो नहीं कर सकते बट हम अपने कोड को एफिशिएंटली बना सकते हैं इस तरीके से कि हम एरर को मिनिमाइज कर पाए आप देखोगे आने वाले लेक्चर में कि शेनन ने कई ऐसे थ्योरीज प्रपोज की जिसमें रिटेंडेंसी ऐड भी करनी पड़ी जिसको हम चैनल कैपेसिटी थ्योरम भी कहते हैं और ये देखेंगे कि कैसे रिटेंडेंसी ऐड करने पर हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं बच्चों एरर को खत्म नहीं कर सकते बट वो लॉजिक हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम इंफॉर्मेशन रेट पे चेक बना लें और इंफॉर्मेशन रेट हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था अगर मुझे इंफॉर्मेशन रेट ही नहीं मालूम मुझे ये मालूम ही नहीं कि एक ओवर ब्रिज पर किस रेट से गाड़ियाँ चढ़ रही हैं तो मैं कैसे डिसाइड कर पाऊंगा कि ब्रिज मैक्सिमम कितनी गाड़ियां किसी भी टाइम पर अकोमोडेट कर सकता है तो ये बहुत जरूरी है जानना कि किस रेट से गाड़िया आ रही हैं या किस रेट से मेरी इंफॉर्मेशन बिट आ रही है उसके लिए हमने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है हमने एंट्रोपी पढ़ ली हमने एक कोडिंग वाज शैनन फेनो कोड नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और कोडिंग टेक्निक पढ़ेंगे जो इससे बेटर एफिशिएंसी रखेगी दैट इज हफमैन कोडिंग एंड आफ्टर दैट वील मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज The error free communication over a noisy channel. I hope this was helpful for you. Stay fit. Thank you.